कमिंग टू वर्ड्स द इंट्रोडक्शन ये जो पोम है ये एक मॉडर्न पोइट्री है इसको एक मॉडर्न पोएट टी एस एलियट ने लिखा था ये पब्लिश हुई थी 1922 में इसमें पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन का जो एरा है उसके बारे में बात की गई है यानी पहली अजीम के बाद के हालात को दिखाया गया है इस पोम के फाइव सेक्शनस हैं द बरियल ऑफ द डेड इज़ द फर्स्ट सेक्शन द बरियल ऑफ़ द डेड इंट्रोड्यूस द थीम्स ऑफ डिके एंड रीबर्थ मॉडर्न वर्ल्ड की जो ब्लीकनेस थी जो एक तारीखी थी उसको शो किया गया है और स्प्रिंग और रिन्यूअल की मेमोरीज जो हैं वो इस उस सेक्शन में हमें नज़र आती हैं द गेम ऑफ चेस इज़ द नेक्स्ट पार्ट और इस पार्ट के अंदर रिलेशनशिप और सोशल नॉर्म्स की जो इस एक डिसइंटिग्रेशन थी यानी तोड़ फोड़ थी उसको शो किया गया है एंड इट इज़ शोन थ्रू अ डिटेल्ड सडक्शन सीन नेक्स्ट पार्ट इज़ द फायर सरमन और इसमें मॉरल डिके और डेजोल्यूशन जो है उसको दिखाया गया है डेथ बाय वाटर जो है इसमें थीम्स ऑफ मॉरेलीटी एंड रिडम्पन को जो है वो शो किया गया है एक ड्रॉन सेलर है जो कि डूब चुका है उसका नाम फेलेबस है और उसको दिखाया गया नरेटर दस्ट हिज रीडर टू कंसीडर फेलेबस एंड रिकॉल हिज और हर ऑन मोरालिटी द लास्ट पार्ट इज वट दैटर सेड इसमें स्परिचुअल इनलाइटमेंट जो है वो दिखाई गई है इस पोम के अंदर एक डिसपॉइंटमेंट uh, uh, एक क्या और एक जो बेचैनी थी एक अनारकी जो फैली हुई थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन वो दिखाई गई है बट द पोइट इज़ होपफुल एट द सेम टाइम कि गुड टाइम्स विल कम कमिंग टूवर्ड्स द मेजर थीम्स ऑफ द पोम सबसे पहले जो थीम हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिस्पेयर एंड डिसअल्यूजनमेंट इसका मतलब होता है मायूसी वर्ल्ड वॉर वन के बाद की जो मायूसी थी उसको दिखाया गया है और पोम का जो स्टार्ट है वही इसी लाइन से होता है अप्रैल इज क्रोलेस्ट ऑफ ऑल द मंथ्स तो हमें ये थीम पोम की फर्स्ट लाइन में ही मिल जाता है फ्रेगमेंटेशन और मॉरल डिके जो है उसको दिखाया गया है इस पोम के अंदर जो मीनिंगसनेस है उसको शो किया गया है और लाइफ का जो मीनिंग था एंड द कोहेरेंट ऑफ द लाइफ दैट वाज लॉस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड नेक्स्ट जो थीम है दैट इज डेथ एंड रीजनरेशन इलियट फ्रिक्वेंटली यूज थीम्स और uh, जो वेस्टलैंड है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन को जो है वो सिंबलाइज किया गया है लेकिन रीबर्थ और रिन्यूअल के जो हिंट्स हैं वो भी हमें मिलते हैं लाइफ की साइक्लिकल नेचर जो है उसको दिखाया गया है देयर इज अ होप डेट आफ्टर दिस डिस्ट्रक्शन समथिंग मीनिंगफुल विल इमर्ज नेक्स्ट थीम इज कल्चरल डिके एंड फ्रेगमेंटेशन उस वक्त के जो हालात हैं जो उस वक्त का कल्चरल नॉर्म्स की तोड़ फोड़ है उनको इलियट ने दिखाया है माशर्ती क़दरें जो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी वो चीज़ दिखाई गई है डिफरेंट कल्चर्स और न, रिलीजियस जो रेफरेंसेज हैं वो दिए गए हैं उस वक्त के सोशल नॉर्म्स की तोड़ फोड़ को दिखाने के लिए नेक्स्ट जो थीम है दैट इज़ मिथ्स एंड ट्रेडिशन डिफरेंट मिथ्स को जो है वो यूज़ किया गया है उस वक्त की आ, ट्रेडिशन को शो करने के लिए रिलीजियस सिम्बल्स जो हैं वो भी यूज़ किए गए हैं यूज़ ऑफ मिथ्स जो है उसका मकसद बेसिकली क्या है कि मॉडर्न वर्ल्ड के जो क्रॉस है उसको एक मीनिंग दिया जा सके और उन मिथ्स के थ्रू एक होप जो है वो जगाने की कोशिश की है रीडर के अंदर इलियट ने अब मिथ्स जो हैं वो यूज़ की गई हैं लाइक फ़िशर किंग द दॉयल लेजेंड एंड द फिगर्स फ्राम वेरियस ट्रेडिशंस इलियट जो है वो एक कॉन्टीन्यूटी और एक रिडम्पन जो है वो दिखाता है इस पोम के थ्रू स्पिरिचुअल बैरनेस या स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन का जो थीम है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल बैरनेस जो है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा थी स्पिरिचुअली जो है इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था उसके अंदर मॉयूसी थी खुदा पर से उसका यकीन जो है वो ख़त्म हो गया था एग्जस्टेंशियल एम्पटीनेस जो है वो पाई जाती थी कि इंसान को पता ही नहीं था कि वाई ही हैज़ बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड ठीक है और uh, नो एग्जिस्टेंस नो मीनिंग इन द एग्जिस्टेंस वॉज देयर ठीक है लेकिन एलियट इज़ होप फुलॉर स्परिचुअल रीअवेक्निंग ठीक है और ही गिवज डिफरेंट रिलीजियस एंड सिम्बोलिक रिफरेंसेज ठीक है ताकि वो लोगों के अंदर एक स्परिचुअल uh, uh, जो एनर्जी uh, है या एक स्परिचुअल जो होप uh, uh, है उसको जो है वह जगा सके नेक्स्ट थीम इज अर्बेनाइजेशन एंड मॉडर्निटी उस वक्त की जो एक शहरी ज़िंदगी है उसको दिखाया गया है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो एक अर्बेनाइजेशन थी और इंसानों के आपस के जो ताल्लुक थे उनमें जो आर्टिफलिटी थी और जो सुपरफिशलिटी थी वो सारी चीज़ें शो की गई हैं आज कल की दुनिया में भी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर और अर्बन वर्ल्ड के अंदर जो है वो यही होता है कि इंसान के आपस के जो ताल्लुक हैं दे आर सो मच आर्टिफिशियल और कोई इंसान जो है वो हमदर्दी का जज्बा नहीं रखता तो यही सब कुछ जो है उस वक्त भी हो रहा था और उस वक्त के कंडीशन को इसी तरह से इस थीम को यूज़ करके उसने शो किया है नेक्स्ट एंड द लास्ट थीम इज़ सर्च ऑफ मीनिंग अब ऐसे कैरेक्टर्स को इस पोम के अंदर शो किया गया है हु वॉन्ट टू फाइंड मीनिंग ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एंड लाइफ इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड इस सारी मीनिंगसनेस को वो ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी लाइफ का एक मीनिंग जो है उसको तलाश करना चाहते हैं इस तरह से एक होप जो है वो टी एस एलियट ने दी है कि देयर विल बी आ टाइम जबकि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा एक पीस एक अमन एक शांति जो है वो इस दुनिया के अंदर होगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेस्टलैंड एंड द मेजर थीम्स ऑफ द पोम आई होप इट्स क्लियर लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल